एक पोस्ट में वो बड़ी याद है गाजर का हलवा वाला, बड़ा वो मेरे को क्यूट सा लगा कि कल प्रीति ने मेरे को बोला था छोले भटूरे बनाने के लिए, तो रेनू बोली मैं बनाऊंगी। मैं जरा फोन करती हूँ उससे, मैंने एक बार भी नहीं पूछा सुबह से। अभी बिजी आ रहा है, इतने में मैं गंगा जी जा रही हूँ दर्शन करने के लिए। मम्मी तो मेरे को बताती नहीं क्या बनाती है। क्यों पता नहीं, अपनी मर्जी से बनाती है। तेरी मर्जी का झूठ क्यों बोल रहा है? अभी बर्गर टिक्की सब कुछ तेरी पसंद का बनता है? नहीं बनता, करेला बनाती है मम्मी। झूठा कहीं का। ये यहाँ के सबसे शरारती बच्चे हैं। मैं नहीं हूं। नहीं है? अगर सोसाइटी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी हो सारे घरों की, तो ये इन्फॉर्मेशन दे देगी। ये दादी अम्मा है पूरी, हर घर में क्या हो रहा है इसको सब पता होता है। आजकल गेंदे का वो चल रहा है सीजन, गेंदा ज्यादा है हमारी सोसाइटी में। आप आसमान देखिए कितना डार्क ब्लू है, बहुत जबरदस्त। मैंने ना एक चीज यहाँ पे लोगों से सुनी है, मैं आपको कहते हैं कि हम यहाँ पे कितना चलते हैं हमें सांस नहीं चढ़ते, और दिल्ली में हमें सांस चढ़ते हैं। दिल्ली में कहीं भी किसी शहर से आए हों तो वो यही रीज़न है कि ऑक्सीजन आपके पास पूरी भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। पूरा नीला आसमान, डार्क ब्लू, इतना डार्क ब्लू ना, इससे ज़्यादा डार्क कुंजापुरी में है, और यही कितना अच्छा लग रहा है आप देखिए। और नीचे गंगा जल एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया है और साफ सुथरा बढ़िया। मैं आज पुरुषोत्तम भैया को फ़ोन करने वाली थी और वो मुझे सामने मिल गए। कहते हैं ना जो आप सोचते हैं तो वो होता है, और वो सामने क्या कर रहे हैं मुझे पता नहीं है कुछ भी। भैया कर रहे हैं अपने हैंड स्टैंड की तैयारी, क्योंकि नीचे पत्थर आते हैं ना, छोटे छोटे कंकड़ आते हैं, उनको साफ कर रहे हैं और दिखाएंगे। और मेरे को भी हैंड स्टैंड करने का बड़ा शौक है, पहले कर लेती थी, अब मुश्किल हो रहा है। आज 4 दिन में धूप निकली है। इसी के साथ यहीं पे गुड मॉर्निंग कर लेती हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारी तरह गंगा जी के दर्शन कर रहे होंगे। हम अपने साथ साथ करा देते हैं देखो आपको दर्शन। और ये भैया पोजीशन लेते हुए, हलासन आता है लेकिन भैया और फ्लेक्सिबल पिलाने के लिए मेरे को अलग तरीके से बता रहे। आप सोच रहे होगे कि मैं जो हलासन है वो मैंने यहाँ क्यों किया, वो तो सीधा ऐसे भी हो जाता था, पर भैया ने मुझे बताया अगर मोर फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो आपको स्पेस और क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तक तो मैं आराम से लगा लेती हूँ और अभी तो मेरा वेट बहुत ज़्यादा हो गया है पेट का। तो वो जमीन नहीं टच कर पा रहा, पर मैं ट्राई करूँगी क्योंकि अब मैं फिटनेस के मूड पे आ गई हूँ पूरी। और मेरे को देख के ना, मैं ऐसे निकलती हूँ तो देख के मोटिवेशन मिलता है कि मेरे को भी खुद करना चाहिए। कभी भी एक्सरसाइज भी किसी से करो, ट्रेनर से भी करो, तो अच्छे प्रोफेशनल के साथ करो ताकि आप मतलब कहीं दौड़ कोई इंजरी ना हो आपको ना, सबसे इम्पोर्टेंट बात है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, और उससे पहले प्रैक्टिस करनी चाहिए और वार्म अप करना चाहिए। वार्म अप करना चाहिए, इससे आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। हाँ बिल्कुल, थैंक यू भैया। मैं कह रही थी तुम छोले भटूरे बना रही हो तो मैं आऊँ कुछ शूटिंग वूटिंग कर लूँ, हेल्प करा दूँ तुम्हारी शूटिंग कर लो आगे।
बचपन प्ले बोल रही थी, पता नहीं नाम मुझे नहीं पता क्योंकि उसी नाम से कमेंट करते हैं कि भाभी जी आप देखो भैया के साथ थी पहले कैसी थी। तो मैं बताऊँ उस टाइम ना मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था तो ज़्यादा पतली हो गई थी, 48 वेट हो गया था, बट हाँ मैंने अब ध्यान देना शुरू किया। देखिए ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आ रहे हैं तो धीरे धीरे टाइम लगता है, तो अपना फिटनेस पे भी ध्यान देना शुरू कर दिया है। अब देखिए जैसे ये लड्डू है, ये रखा हुआ है, ये मुझे कह रहा है मुझे खा ले मुझे साक्षी खा ले, ये देखो ये गया आपका खा ले, लेकिन मैं खाऊंगी नहीं, यहाँ रख दूंगी। आज मैं बच्चों को खुश करने वाली हूँ, बच्चों को बांटूंगी आज मैं बुला के। मैंने कल खा लिया था एक लड्डू, भैया लेके आए थे इतने प्यार से तो खा लिया था, या फिर छोटे छोटे टुकड़ों में। इनके दादाजी ना बड़े स्टाइल से खाते थे, उनका मेरे को बड़ा अच्छा लगता था। जैसे ये लड्डू है इसके मतलब जैसे पीस बर्फी का होता था ना, तो वो चौथाई पार्ट खाते थे, डेली खाते थे मीठा वो, लेकिन चौथाई पार्ट का हम तो क्या होता है दो चार घटक जाते हैं। और फ्रूट्स इसलिए काट के रख रही हूँ कि दिया आएगी तो दिया फ्रूट्स देखती है, वैसे तो खाती नहीं है लेकिन देखती है ना तो खा लेती है, कटे हुए रख के देखती है। तो हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। और ये भी देखो, ये मैंने खा लिया, मैंने तो अभी बहुत टेस्टी है ना, बहुत टेस्टी है, मीठा मैं तो पागलों की तरह खा रही हूं। हम ये आ जाइए, आ जाए हम, आ जाइए मेरी सखियों। रेनू ने छोले भटूरे पचाने के लिए ड्रिंक बनाया है। क्या ड्रिंक है ये? पुदीना? नहीं नहीं, और ये ना मसाला एक तैयार किया है। अच्छा, जिसमें जीरा है, अजवाइन है, हींग है, काला नमक है और धनिया है, ये सबको ड्राई रोस्ट करके फिर इसमें थोड़ा सा छोले भटूरे पचे ना पचे ये पी के पचाने जरूर है। लो वीडियो तो उन्होंने दे रायता बना रही है, इसके यहाँ लाइटिंग की कमी है। अब मैं मेरे यहाँ लाइटिंग की कमी है कि तुम्हें ज्यादा लाइटिंग चाहिए? मुझे ज्यादा नहीं, लाइट कम है। हाँ, तुम्हारे यहाँ लाइटिंग की कमी है। और प्याज में ये मसाले मिला दिए। ये ना ऑफ कैमरा कह रही थी, तुम ये कह देना किचन में आके तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो, लेकिन यही सच भी है। हाँ, ये ऑफ कैमरा इसने मेरे से ये बोला था कि ये कह देना, नहीं बोलेगी तो कुटू कुटू। कोई बात नहीं, हम तो फिर आते रहेंगे खाना बनाने के लिए। वैसे ये खाना अच्छा बनाती है, ये सच है। वहां पे गया कह रहा मैंने कुछ बोला ही नहीं, नहीं मैंने कहा ये रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्डिंग है बेटा, वो ड्यूटी रिकॉर्ड एडिटिंग की है वो। ओहो ठीक है, एडिटिंग कैसे होगी? मुंह पे मुंह चेंज कर दिया मैंने तेरा, इसके मुंह पे एडिटिंग कर लो। अभी हम जाओगे तो मम्मी चप्पल लेके खड़ी होंगी। कुछ निकालने के बाद क्यों ले, अभी ले ले चप्पल, इतना टाइम नहीं आती है। ये खाना पचाने वाला ड्रिंक भी देती है, भूख लगने वाला भी देती है। जबरदस्ती जान मार के क्यों खाती हो? खिलाती थोड़ी हूँ, सीने पे चढ़ के खाती हो। ऐसे बोलो। हाँ ऐसे ही होते हैं फ्रेंड, तो क्या होता, तो क्या हुआ, ये तो सही बात। हाँ चलो भैया, और इसके अंदर आटा सूजी मैदा सब मिलाया गया। यस। इज्जत रख ली भटूरे ने मेरी। हम कैसी राक्षसों वाली हंसी हंसते हैं। हम नहीं, तुम, हम सब ज्यादा इंटेलिजेंट ना बनो, तुम कौन सा बहुत ही तुम हंसती हो, मुस्कुरा के धीरे धीरे हंसती हो, और जो नहीं फूलेंगे वो कट कर देना। देखो कौन हंसा है, मैं हंसी भी दिखा रही हूँ तो सामने, क्या करूँ ना, हंसू रो हूँ, भटूरे इतने अच्छे फूल रहे हैं। श्रीति कैमरे पे नहीं आएगी, जब दूसरे के हाथ से गरम गरम खाना खाते हैं तो बहुत, वैसे तो स्वाद है ही, पर जब दूसरे के हाथ का बना हुआ गरम गरम मिल जाए लेडीज को, है ना, तो मजे कितने आते हैं ना, बहुत स्वाद है। अगली पार्टी फिर होगी जल्दी तुम्हारे घर। रेनू के घर हमने पेट पूजा की, अब चाय चाय हमारे, चाय मेरे घर है ना। अच्छा आपकी सुनता नहीं है ये पत्नी, ये कहते थे पत्नियों से ज्यादा सुनता है। तो आज हमारे साथ आए हैं अमित भैया, और ये फेसबुक से शर्मा जी के साथ जुड़े थे, और कैसे जुड़े थे वो भैया ही बताएंगे। तो एक्चुअली एक गो हिमालय एक फेसबुक में एक ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर रखा था मैंने, बिकॉज वो ज़्यादा मोस्टली पहाड़ों से रिलेटेड पोस्टें डालते थे।
तो एक दिन ऐसे हुआ, पोस्ट डाली और उसमें भैया ने भी, शर्मा भैया ने पोस्ट डाली, तो उसमें पिक्चर देखी। मैं भैया को तो नहीं जानता था, मगर जो उसके पीछे लोग खड़े थे उनको मैं जानता था। अच्छा। तो उसमें एक प्रीति भाभी जी थी, बच्चन भाई जी हैं जो ऋषिकेश से थे। अच्छा। तो फिर मैंने भैया से पूछा कि ये वही लोग हैं, पता तो था वही लोग हैं, मैं भैया से पूछना चाहता था कि वही लोग। तो भैया वहाँ से हम लोग कनेक्ट हुए। फिर भैया अपनी पोस्ट डालते थे, एक पोस्ट मेरे को बड़ी याद है, गाजर खल वाला, बड़ा वो मेरे को क्यूट सा लगा कि हम लोग बचपन में खड़े होके, लाइक अफकोर्स नहीं बनाते, वो बड़े कॉर्नर में बैठे रहते थे और इंडक्शन में, इंडक्शन में बनाते, तो मैंने कहा यार बड़ा क्यूट है ये चीज, गाजर खल वाला बनता है इंडक्शन में। तो बस वहां से कभी मिलना नहीं हुआ। हम तो मैं बताऊं, गंगा जी पे कोई भी मिल जाते थे ना, कई मिले अवरुण भैया वगैरह, 10 बजे अगर बात करते तो 12-12 बजे घर आते थे प्रीति के। और देखो ना, मैं कहती हूँ ना, दुनिया कितनी गोल है कि प्रीति के भी भैया रिलेटिव निकले हैं, क्लोज रिलेटिव। हाँ, दुनिया गोल है, कहीं ऐसे ऐसे घूमती रहती है। और बस इतना ही है भैया के बारे में। भैया आए थे मिलने, आज घर भी आ गए, उसमें कमेंट करते रहते थे फेसबुक पे, तो आए हुए थे यहाँ पे, तो मैंने कहा घर ही बुला लो। पहाड़ों से बहुत प्यार है, पहाड़ों से प्यार है, पहाड़ों से प्यार, राइट। बॉम्बे में हाँ जी, बॉम्बे में एक फैशन डिजाइनर है, शायद आप लोग जानते भी होंगे, खासतौर लेडीज ज्यादा जानती है, सब्यसाची मुखर्जी। सब्यसाची को कौन नहीं जानता। तो उनके साथ काम करता हूँ। कनेक्शन शायद शर्मा भैया के साथ ये भी था कि मैं हमेशा सोचता था कि एक बंदा गुड़गांव नोएडा से उठ के आ गया है, कैसे आ गया, तो हमेशा एक क्वेश्चन रहता है, क्यूरियोसिटी रहती है कि इनसे पूछा जाए कि यार कैसे आपने डिसीजन ले लिया, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है। तो वो लालच छोड़ के कैसे आए, मतलब हमेशा पूछने का एक रहता था कि लालच कैसे छोड़ा, तो इस वजह से कनेक्शन ज्यादा क्लोज हो गया। ऐसे ही कनेक्ट हुए। अभी मेरी जान अटक गई, मैं फाइल ढूंढ रही, मैंने कहा वीडियो क्लिप्स निकालनी थी, मैंने कहा कल वाली मैंने किस, उसमें मतलब सबसे बातें करती रही तो उसको ध्यान नहीं रहा, मैंने कहा किस नाम से सेव किया, बड़े दिमाग पे जोर डाला, जब फाइल का नाम याद आया अब जाके उसको ड्राइव में डाला। ऐसे ही मैं एक फाइल थी गंगोत्री गई, उससे पहले एक और वीडियो क्लिप बनाई हुई थी, पता नहीं किस नाम से सेव कर दी, वो फिर भूल गई, जान निकल जाती है पूरा वीडियो जब गुम हो जाता है ना। ये प्राणवी है, प्राणवी पापा, पापा एक्सपायर हो गए आपके? तो हम आपके डेली व्लॉग्स देखते हैं, कभी आप गंगा पे आप जाते हैं वॉक करने, आप उस दिन लंच करने गए थे, तो मम्मी कहती है आंटी बहुत अच्छी हैं, और फिर मेरे को भी ना एक्चुअली बाहर पढ़ने जाना है, आपकी जो बड़ी डॉटर है, तो मम्मी कहती है इनको मतलब मोटिवेशन लेते रहते हैं हम आपके से। थैंक यू बेटा, बिल्कुल जहाँ मन कर रहा है वो पढ़ाई करने जरूर जाओ। आशीष भैया आए हैं, पहले भी मिल के गए थे 19 फरवरी को, और अमित भैया, हाँ जी अमित भैया ये पहली बार आए हैं हमारे घर में, और भैया नीचे ही मिले थे तो मैंने पहचान लिया था इनको, और हम लोग आए थे करीब 6 महीने पहले, और इन्होंने ना केवल पहचाना, उस दिन का पूरा एपिसोड याद है भाभी जी को कि हमने कैसे टाइम स्पेंड किया था, क्या खाया क्या पिया। और जहाँ तक बात है एंजॉय लाइफ लोकल की, बरसों से हम लोग ये चैनल देख रहे हैं, शर्मा जी थे तब भी बहुत प्यार मिला इस चैनल से, और आज भी बहुत मजा आता है देख के, फैमिली के साथ देखने के लिए यह केवल ना एंटरटेनिंग है और बहुत कुछ सीखने को, समझने को, ऋषिकेश को जानने को, और एक फैमिली में कैसे अच्छे से हिम्मत के साथ जिया जाए, ये हमने इनसे बहुत कुछ सीखा। मैं थोड़ी देर पहले यहाँ बैठी हुई थी तो मुझे एम्स से आए हुए दो बच्चे जैसे ही बोलूंगी मैं तो वो मिले थे, और बड़े आराम से बैठे हुए थे, मैं मतलब मेरे को ढूंढ लिया था, उन्होंने कह रहे थे कि हम आप चैनल देखते हैं, तो मुझे इतना अच्छा लगा कि ऐसे यंगस्टर बच्चे जो कि मतलब खिंच रहे हैं इधर की साइड ना बिल्कुल ही, और वो बोले एक चीज़ वो बोले कि सफदरजंग में भी काम करते थे पहले, वो सफदरजंग छोड़ के यहाँ अपॉर्चुनिटी मिली तो यहाँ पे आ गए, कह रहे यहाँ पे सैलरी तो कम है। फिर मैंने उनको एक चीज़ बोली, मैंने कहा बेटा सैलरी कम है, आपको आपकी सांसें अगर आपको प्योर मिल रही है ना ऑक्सीजन, तो वो आपकी सैलरी से बढ़ के है, अब यहीं पे ही अपना जॉब कर रहे हैं और रह रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अंजलि और सुमित मिले हैं, मैं गंगा जी पे बैठी हुई थी, कहाँ से आए हैं आप? हरियाणा से हैं, और यहाँ ऋषिकेश एम्स में जॉब करते हैं, पहले दिल्ली में थे सफदरजंग, अब मैं यहाँ बैठती हूँ तो मुझे कोई ना कोई मिल जाता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यंगस्टर को हमारे वीडियो और हम पसंद आ रहे हैं। थैंक यू बेटा, मैम के चैनल को ऑल द बेस्ट कहना चाहती थी, आगे वो और ग्रो करे,
और इसीलिए इसके बारे में हमें ऐसे ही बताते रहे, हमें अच्छा लगता है। तुम ना आगे सब्सक्राइबर बढ़वा नहीं रहे हो, तुम करवा नहीं रहे जबरदस्ती पकड़ पकड़ के। पता है यंगस्टर में कितनी ताकत होती है। हाँ, सभी चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी हिडन चीजें जो दिखाते हैं, जो मतलब इतना फ्री होके भी ब्लॉग्स बनाते हैं, ऐसा कोई फ्री होके नहीं बनाता, बाकी सब फॉर्मल बनाते हैं। इतना अच्छा एंजॉय, लाइक मतलब बिल्कुल बनाते हैं। जैसे शर्मा जी नाम ही ऐसा ढूंढ के रखा था, बहुत टाइम लगाया था नाम ढूंढने में। बोलो राधा रमण हरि गोविंद। बहुत दिन हो गए परमात्मा है ना, इस टाइम राफ्टिंग करके आ रहे हैं। लेट करते हैं ना बच्चे, जबकि राफ्टिंग का सुबह सुबह कर लो तो धूप में आप का काम हो जाता है, मतलब धूप में सही रहता है। गर्मी सर्दी नहीं लगती इस टाइम, तो ठंड लगती है बहुत ज़्यादा। और पीछे का व्यू देखिए, लाइटिंग की वजह से कितना शानदार आ रहा है ना। आज ना मैं बहुत जल्दी आई थी और लाइट लाना भूल गई। ध्यान नहीं रहा, मुझे लगा कि मैं जल्दी से घूम के और चली जाऊंगी, फिर इधर आती चली गई तो आरती में आ गई। और अमित भैया से मिलके बहुत अच्छा लगा। देखिए वो कितनी प्रोफेशनल लाइफ, जैसे अब सब्यसाची को तो सब जानते हैं, कोई ऐसा है ही नहीं कि नहीं जानते हैं। उनके साथ काम करते हुए मतलब वो ब्रांड छोड़ के अब अपने उत्तरकाशी अपने गांव वापस आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जितना मैं आगे भागूंगा ना, फिर भागता ही रहूंगा, तो मैं यहाँ आके अपने गांव में रहूं, अपने लोगों से जुड़ूं, खेती कर, कुछ भी करेंगे, जो भी करेंगे या नहीं करेंगे आराम से रहेंगे, पर एक सुकून की लाइफ होगी, टेंशन फ्री लाइफ होगी। लेकिन कह रहे आप इधर उधर भागोगे ना दीदी बोलते हैं वो, तो फिर आप वो सुकून खो दोगे। रवि और ज्योति तो मिलने आए ही थे, अंकल आंटी आए थे पहले मिलने, मैं उनका वीडियो उनकी क्लिप डालना भूल गई। कामिनी आंटी और विजय अंकल, और एक्चुअली क्या था, मैंने ना फ़ोन से शूट किया था, फ़ोन उस टाइम मेरे पास कैमरा नहीं था तो मैंने फ़ोन से ले लिया। अब कई बार क्या होता है भूल जाते हैं इस चक्कर में, तो ये क्लिप दोनों इसी में डाल दूंगी। अंकल आंटी मिलने आए हैं पटेल नगर से, हमारे पड़ोसी हैं, और आपका नाम दोनों विजय, कामिनी और आप दिव्या। बहुत अच्छा लगा, ये तो इमोशनल हो गया। मैं अब जाती हूँ, तो कहीं कोई आना चाहता है कैमरे में के, तो अच्छा लगता है कि अपनी फैमिली मेंबर बढ़ रहे हैं, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक इतना प्यार दिखा रहे हैं। आंटी कामनी तो उनकी बेटी आई थी साथ में, और उनकी बेटी की भी मदर इन लॉ थी, और वो रोने लगी थी आंटी, तो इतना इमोशनल हो गई थी ना, ये जो प्यार मिल रहा है ना बता नहीं सकते। और ऐसे ही हंसते खेलते पार्टी देते रहिए, पार्टी लेते रहिए, इंजॉय करते रहिए। और फिर इधर आ गई मैं क्या कहते हैं आरती देखने के लिए, तो यहाँ भी ज़्यादा शूट नहीं कर सकते क्योंकि फिर कॉपीराइट आता है, शर्मा जी ऊपर बैठे डांटेंगे मेरे चैनल को, वो कर रही है। कॉपीराइट से उन्हें सख्त नफरत थी कि चैनल पे कुछ भी दाग लगे छोटा सा। तो भाई छोटा सा ये वीडियो यही था, हंसती मजाक खेलते और इंजॉय करते हुए। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कमेंट शेयर कीजिए, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं, और हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट हैंडल नीचे है उसको फॉलो कर लीजिए। इंजॉय लाइक लोकल के नाम से ही पेज है और उसी के नाम से ही इंस्टाग्राम अकाउंट हैंडल है, तो उसको फॉलो कर लीजिए जल्दी जल्दी। हर हर गंगे हर हर महादेव।